Yes, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I am in this video for Taurus Zodiac sign, जिनकी राशि वृषभ है उनका 16th अगस्त से 31st अगस्त तक का समय कैसा जाएगा. टॉरस जिनका जॉडिक साइन है मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जीज हैं प्लीज़ मुझे बताएं टॉरस राशि का 16th अगस्त से 31 अगस्त तक का समय 15 डेज कैसे जाएंगे और क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से मैं जानना चाहूँगी. लास्ट समय आपका लव मेट के साथ रिलेशनशिप देखती हूँ कि क्या आपको प्रिकॉशन लेना है क्या हीलिंग करनी है उसमें जो कि बहुत ही ज़रूरी है. बड़ा ही मिक्सअप आपका है कॉम्प्लिकेटेड थोड़े कार्ड आए हैं थोड़ा सा मिक्सचर रहेगा ये 15 डेज आपके लिए. मैं अगर यहाँ देखूँ तो फर्स्ट कार्ड जो है कोई डिसीशन कोई काम आपका सपना का सपना ही रह जाएगा. इट विल बी ड्रीम. आप सोचते रह जाएंगे काम पूरा नहीं होगा. और बर्निंग टावर का कार्ड आया हुआ है दैट मीन्स कि किसी से बहुत झगड़ा या अपना काम बिगाड़ लेना या किसी से रिलेशनशिप तोड़ने की सोचना ये सब चीज़ें दिखा रहा है. तो थोड़ा सा बर्निंग टावर कार्ड आया है तो ध्यान रखिए कि आपको कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी है. आपको बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है. पॉजिटिविटी के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं आप बिल्कुल देख सकते हैं. सबसे बेहतर होता है कि आप अपने जिस गॉड या गॉडेस को मानते हैं उनके संरक्षण में रहिए. बी इन अंडर योर गॉड एंड गॉडेस उनसे प्रेयर करिए उनसे प्रार्थना करिए कि हमारा किसी तरह से काम जो बिगड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा ना बिगड़ जाए क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिखा रहा है कि कोई काम आपका बिगड़ सकता है डैमेज हो सकता है आपका रिलेशनशिप. ऐसा सोच सकते हैं आप कि जो है चलो छोड़ो इसको मन में ऐसा विचार आएगा और आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं अपना काम खुद अकेले कर लूँगा या कर लूँगी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है और आपको औरों से कोई मतलब भी आप नहीं रखेंगे. आपको लगेगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ बाकी सब क्या कर रहे हैं आपको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा. आपको किसी स्त्री से किसी फीमेल से जो कि एक बहुत ही 30-40 के एज में हो सकती है बहुत यंग मैं नहीं कहूँगी लेकिन देर विल बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम दिस फीमेल. आपको इस फीमेल से बहुत सपोर्ट मिलेगा. आपकी माँ हो सकती है आपकी कोई ऐसी सलाहकार हो सकती है जो कि आपको सलाह दे सकती है. आपको लगता हो कि इससे मुझे अच्छी डिसीशन पावर बहुत अच्छी है या इससे मुझे पूछना चाहिए. इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि एक फीमेल का हाथ होना यहाँ पे दिखा रहा है. अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है गॉडेस माँ दुर्गा की पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो भी आपको संरक्षण प्राप्त हो जाएगा. कोई हैप्पी न्यूज़ आ सकती है गुड न्यूज़ आ सकती है आसपास कहीं आपको कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं. कार्ड ये भी कहता है कि आसपास कहीं आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी या कहीं रिश्तेदारी में किसी और से प्रेगनेंसी की न्यूज़ आने की संभावना बनती है. कोई प्रोजेक्ट आपका हो सकता है पूरा होने वाला हो या जो आपने सोचा हो आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो. कुछ भी गुड न्यूज़ आ सकती है कुछ खबरें आ सकती हैं और इस वक्त आप अच्छे कार्ड दें. वही मैंने कहा कि थोड़ा सा मिक्सचर है आपका. नीचे एक कार्ड ठीक आए तो ऊपर का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा रहेगा कोई बात नहीं लेकिन हो सकता है कि मंथ के एंड तक आपका अच्छा जाए अच्छी चीज़ है. इस वक्त आप चीज़ों को बहुत ही देख परख के काम करेंगे मतलब सोच समझ के डिसीजन लेकर के अच्छे जैसे स्टडी करते हैं ना कि चीज़ स्टडी करते हैं तब हम डिसीजन लेते हैं इस तरह की रहेगा. दिमाग को शांत रखने की कोशिश करेंगे कूल और काम रहेंगे रहना भी चाहिए. और नेक्स्ट मैं आपका यहाँ पे रिलेशनशिप देख लेती हूँ लव मेट के साथ कैसा जाएगा. दीज आर द हीलिंग ओरेकल कार्ड्स तो एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है ये मैं देखना चाहूँगी. फर्स्ट कार्ड जो आप लोगों के लिए आया हुआ है इस वक्त आपके पास बहुत सारे काम आ सकते हैं. आपको बहुत सारे काम से जो है वो लोग जो है आपके पास आ सकते हैं कि ये भी काम कर दो वो भी काम कर दो या आप ही के पास खुद ही आप अपना काम उठा लेंगे कि मुझे ये भी करना है मुझे वो भी करना है. बहुत सारे काम आपके दिमाग में घूमते रहेंगे और आपको जो है हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं ये भी कर लेता हूँ मैं ये भी कर लेता हूँ देखो मैं ये भी कर लेता हूँ मैं ये भी हूँ मैं वो भी हूँ मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वर्क बहुत सारा आपके दिमाग में रहेगा. करेंगे भी आप करने की पूरी कोशिश करेंगे.
जैसे होता है ना, काम छेड़ दिया हमने, स्टार्ट कर दिया, इनिशियल स्टेप कर दिया, कंप्लीट हो जाए ना, इससे मतलब नहीं रहेगा, काम समझ शुरू कर दिया है, कई सारे इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी कि आप जो है अपने प्रेमी द्वारा बहुत सारे नामों से भी नवाजे जा सकते हैं, कह रहे देखो मेरे लाइफ पार्टनर इस तरीके से काम करता है या करती है, इतना सारा काम ही संभाल लेती है, संभाल लेता है, इस तरह की चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, अच्छी चीज़ है। यहाँ पर रिलेशनशिप में दिखा रहा है कि इस वक्त आपको हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं भी आपका लवमेट अगर निराश है या कहीं अगर गुस्सा है, कुछ भी अगर है, तो इस वक्त ज़रूरी है कि आप इस वक्त हीलिंग करें, डीप हीलिंग करें, उसके साथ बैठें, समय बिताएं, जो चीज़ आपकी बिगड़ती नज़र आ रही है उसको जो है वो आपस में सुलझाएं। ऐसा ना करें कि जो है छोड़ दिया, अरे छोड़ो ये बात नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। आप बैठिए, आराम से बात करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपको इस वक्त ऐसा फील होगा जैसे कि आपके पंख लग गए हैं, आपको नई उड़ान मिलेगी। ये सब अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा का स्रोत, एक न्यू ओरिजिन ऑफ लाइट एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको लगेगा कि मैं उड़ जाऊँ, इतने खुश हो जाएंगे आप रिलेशनशिप से। इस वक्त एंजल्स की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, किसी मुसीबत से निकाले जा सकते हैं आप एंजल्स द्वारा। जो आपके आसपास का जो ऑरा है, ईश्वर कृपा दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है तो आप, हो सकता है आपको दिल और दिमाग की सुनिएगा कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एक्चुअली वहीं से मैसेज मिलता है इंसान को कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है रिलेशनशिप में। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर, और क्या आपको करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।